नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है 2022-23 का आम बजट। यह अमृतकाल का बजट है जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। भारत की विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटी है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया है। डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। मेक इन इंडिया के तहत 7 लाख नौकरियां आएंगी। ग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस जारी है। गरीबों के जीवन में सुधार, प्राथमिकता निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर। मिडिल क्लास के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर। 25,000 किलोमीटर तक बढ़ेगी नेशनल हाईवे की लंबाई। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ होंगे खर्च। आत्मनिर्भर भारत के लिए 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। 100 कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे। अगले 25 सालों की अर्थव्यवस्था का ये ब्लूप्रिंट है, जो कि आपको बता दें कि वित्त मंत्री युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ और SC ST को भी फायदा देगा बजट। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जल्द आएगा LIC का IPO। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जैसा कि ये बजट पेश किया गया है, लोगों का यही कहना है कि इस बजट से कोई खास राहत नहीं मिली है। जी अमन, अभी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभिभाषण सुन रहा था। अभिभाषण भी कुछ अजीब तरह का था, वर्चुअल, बिल्कुल सर के ऊपर से चीजें गुजर रही थी। आम आदमी को जो जरूरत की चीजें हैं वो हाईवे प्रोजेक्ट में कितना है, हेल्थ केयर में आपने क्या फैसिलिटी अनाउंस की है, एजुकेशन सेक्टर को क्या दिया है, आपने महंगाई में कितनी राहत पहुंचाई है, ये सब चीजें आदमी सुनना चाहता था, लेकिन उसको सख्त निराशा हुई है। हमारे साथ अभी 4 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एक एक करके सबका परिचय करा दें, उसके बाद बातचीत करें। मैं राजेंद्र कुमार सरावगी, पूर्व अध्यक्ष झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी, मैं संजय खौरी, अध्यक्ष झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन। मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, हेल्थ केयर कमेटी का सब कमेटी हेड, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं महेंद्र कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ अभी चैम्बर में। चलिए शुरुआत हम सीनियर से करते हैं, शॉर्ट में कैसा लगा बजट? आम आदमी की दृष्टि से बजट बहुत ही निराशाजनक है। उद्योग एवं व्यवसाय की दृष्टि से भी लोगों को जो उम्मीदें थी कि MSME में कुछ इंकरेजमेंट मिलेगा या कुछ टैक्स रिबेट मिलेगा, इन सभी बातों में उद्योग एवं व्यवसाय जगत को निराशाजनक हाथ लगी है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, उनको उम्मीद थी कि बढ़ती महंगाई से कुछ निजात मिलेगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि महंगाई में लोगों को कुछ राहत मिले। बिल्कुल, इस बजट में ऐसा कोई खास नहीं है जिसको कहा जाए। लोग उम्मीद रहती है, पूरी एक साल तक उम्मीद रखते हैं कि बजट आएगा और बजट में कुछ रिवेट मिल दिया जाएगा, कुछ अच्छा बजट नजर आएगा, लेकिन न उद्योग जगत के लिए और ना किसी आम आदमी के लिए अगर बजट कहा जाए तो अच्छा बजट कहा जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, MSME के लिए एक बृहत जो रोजगार देने वाला सेक्टर है, लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग आज के कोविड के समय ग्रस्त है, उनके लिए कुछ विशेष उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा भी निराशाजनक अभी इस बजट पर लगा है। और सही मायने में ऐसा कहा जाए कि बजट ना होकर एक केवल भाषण ही समझ में आया है कि क्या हुआ। डॉक्टर अभिषेक रामाधीन साहब। हाँ सर, आप बताइए। देखिए सर, मैं डॉक्टर हूँ और लास्ट 2 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा, खुद से भी और बाकी जो अगर हम लोग एज अ स्टेट या फिर कंट्री वाइज पूरी अगर बात करें तो मैं काफी निराशित हूँ, निराशा है मुझे। पिछले साल जैसे इस बार भी मैडम ने कहा कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, और बजट के पहले हमारा और बाकी डॉक्टर्स का, जो भी हमारे हेल्थ केयर शिक्षाविद है, उनका अनुमान था कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल ये बढ़ा के लगभग 3% ऑफ GDP तक ले जाएंगे, बट हुआ काफी उल्टा। लास्ट ईयर जो हमारी जो था वो 78.9 हजार करोड़ था एक्सपेंडिचर, जो कि घटा के 71.3 हजार करोड़ कर दिया और घटा दिए। हाँ, अब क्वेश्चन है कि अगर आप घटा दिए हो, लास्ट ईयर चारों तरफ प्रॉब्लम्स हम लोग सारी जनरल पब्लिक्स भी जानती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, पाइप्स नहीं थे, दवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था,
जब हमारा सेकंड और अभी थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि जब आपने पैसे घटा दिए हैं तो फिर सारी चीजों का जुगाड़ कैसे करेंगे? सिर्फ बोलने से कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना होगा। जी एक मिनट जी सर, आप बताइए। मैं महेंद्र कुमार जैन, पूछिए कुछ पूछना नहीं, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या अच्छा लगा? सबसे ज्यादा इसमें हमको अच्छा लगा कि सरकार ने कोशिश की कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए जिससे उद्योग एवं व्यापार को सहूलियत हो काम करने के लिए। कैपेक्स पर 35% एक्स्ट्रा खर्चा किया गया, एक्सपोर्ट को मोर कम्पिटेटिव बनाने की कोशिश की गई, नए रेलवे स्टेशन, नया ट्रांसपोर्टिंग लाइन, 25,000 किलोमीटर रोड, 300 गतिशक्ति टर्मिनल कार को, तो इन सबसे व्यापार करना सहूलियत होगा और व्यापार की कॉस्टिंग बढ़ेगी, और हमारी कॉस्टिंग घटेगी तो हम एक्सपोर्ट कम्पिटेटिव होंगे और विश्व के बाजार में टिक पाएंगे। जी शहनवाल सर, मतलब कहा जा सकता है कि मिला जुला बजट आया है, और क्योंकि कुछ लोगों को ये बजट सही लग रहा है, कुछ लोगों को ये बजट अभी सही नहीं लग रहा है। हमारे साथ प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, क्योंकि लोगों का यही जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो यही आ रही हैं कि ये बजट आम लोगों के लिए कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। बिल्कुल, देखिए जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है, निश्चित है कि यहाँ पे बहुत सारे जैसे टाटा घराना है या फिर आदित्यपुर के इंडस्ट्री क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े वर्ग काम करता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, क्योंकि टैक्स में वो रिबेट चाह रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि ये जो बजट आज आया है उसमें टैक्स में रिबेट मिलेगा, लेकिन वो रिबेट नहीं मिला। तो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो जा रहा है भारत, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कारगर साबित होगा। हमारे साथ चैम्बर के अध्यक्ष हुए हैं अनंत विजय मुनका जी, उनसे जान लेते हैं कि आप जो बजट आया है, क्या लगता है कि आप लोग जो उद्योग घराने को करते हैं, चेंबर के सदस्य काफी लोग हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ देखिए, घोषणाएं और क्रियावरण दो अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री ने आज घोषणाएं की हैं, बजट में प्रावधान रखे हैं, प्रस्ताव रखे हैं, निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य है। अब देखना यह है कि उसका क्रियावरण कितनी शीघ्रता से और कितनी तन्मयता के साथ, कितनी एकाग्रता के साथ होता है। अगर उनकी उनका क्रियावरण पूरी ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता के साथ किया गया तो निश्चित तौर पर पूरे भारतवासियों को इसको लाभ मिलेगा, व्यापारी उद्यमियों को लाभ मिलेगा। जिस हिसाब से पीपीटी मॉडल पर योजनाएं की बात की गई है, अगर सरकार उस पर सही तरीके से गंभीर होकर के उतरती है तो कई व्यापारी उद्यमियों को लाभ मिलेगा, जो एलिजिबल अपने आप को पाएंगे, जो अपने आप को कॉम्पिटेंट पाएंगे, उस हिसाब से वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लाभ लेकर के देश के सर्वांगीण विकास में अपना अहम भूमिका निभा पाएंगे। आपको क्या लगता है, जो मध्यम वर्ग है उसे एकदम अछूता रखा गया? मध्यम वर्ग को तो लग रहा थोड़ा अछूता रह गया है, लेकिन हमने जैसा आपको प्री बजट में पहले कहा था कि ट्रेनों का ऊपर में रेलवे के ऊपर ध्यान दे, तो आज हम लोग ने देखा कि उन्होंने करीब 400 वंदे मातरम ट्रेन की घोषणा की, वो एक बहुत अच्छी, अपने जैसा प्री बजट में आपसे हमारी बातचीत हुई थी, हम लोग पूरा चैम्बर ने कहा था कि रेलवे पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्लस एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि गवर्नमेंट सप्लाई में अब ई बिल खाली लगेगा, जैसे कि कोई बिल हमको नहीं मिला, क्या हुआ, ये सबसे हम लोग को बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा जो गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं। और डिफेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छी बात कही कि जिसमें इम्पोर्ट कम किया जाएगा और लोकल से ही करीब 65% लिया जाएगा। इस तरह ओवरऑल बजट बहुत काफ़ी अच्छा ही है, और जो आशाएं रहती है सब तो लोगों की पूरी होती नहीं है, इसे ओवरऑल हम इसे अच्छा बजट कहेंगे और स्वागत करते हैं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनका पूरा स्वागत करता है। जी प्रभात, बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे 400 ट्रेनें आएंगी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं रेलवे बजट को लेकर के लोगों को ज्यादा उम्मीद थी और वो कहीं ना कहीं खरी उतरी हैं। तो अभी हमारे साथ धनबाद से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आम बजट क्योंकि पेश कर दिया गया है और इससे काफी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, अगर धनबाद की बात की जाए तो क्योंकि धनबाद के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए अमन, इस बजट से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो जिस तरह लोग व्यतीत कर रहे थे कोविड के कारण संक्रमण काल में, तो चाहे वो व्यापार हो या फिर बिजनेस, ये कोई भी किसी भी तरह से कनेक्शन हो, आम आदमी इसमें परेशान रहता हो चुका था, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो ये बजट है, और इसका एक कारण भी था चूँकि 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, तो उसको देखकर लोग, आम आदमी ये सोच रहा था कि शायद इस बार थोड़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, उनको रियायत मिलेगी, और जिसमें सबसे बड़ी बात जो जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे थे वो इनकम टैक्स का स्लैब
जो 5 लाख रुपए करने का डिमांड चल रहा था, ताकि वो सभी विभागों में 5 लाख रुपए का वो इनकम टैक्स का स्लैब मिले, ताकि सारा वर्ग उससे मतलब लाभान्वित हो। लेकिन ऐसा कुछ आज के जो इस बजट में है उसमें दिखा नहीं। देखिए, हमारे साथ बैंक बोर्ड के ही कुछ व्यापारिक भी हैं और आम व्यक्ति भी है। राजेश जी, क्या लग रहा है आज का जो बजट आपने देखा, इसमें जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो 5 लाख रुपए करने की मांग लोगों द्वारा की जा रही थी, लेकिन कोई खास उस पर असर नहीं दिखा गया, कोई बदलाव नहीं हुआ? देखिए, सरकार ये तो अच्छी बात है कि मोदी सरकार का जो भी कार्यकाल हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, लेकिन आम आदमी को इनकम टैक्स के सर्कुलर में अगर राहत मिलती तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि कोरोना के 2 साल के कोरोना काल में हर इंसान त्रस्त है, और इस त्रस्त के माहौल में अगर सरकार के द्वारा ये छोटी सी रियायत मिलती तो पब्लिक के लिए और सभी व्यापारियों के लिए भी एक राहत की बात होती। लेकिन सरकार ने इस पर नहीं दिया तो थोड़ी निराशा तो जरूर है, लेकिन अभी तक बजट देखते तो पूरा सिनेरियो सामने में नहीं है, लेकिन जो भी सिनेरियो सामने में दिख रहा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में सरकार ने छूट दी है तो किसी में कुछ ने कड़ाई भी की है, उसको देखते हुए उम्मीद जताया जा रहा है, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला साल अच्छा होना चाहिए। देखिए, GST में भी सुधार नहीं हुआ, सुधार की बात की गई है, जो जरूरत था GST में और सुधार हो, ताकि व्यापारियों की जो व्यापार है उसको करने में सुलभता है, क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है इसकी, उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ अब तक तो जो देखा गया उसमें नहीं समझ में आ रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, जीएसटी के मामले में हर बार हम लोग यही देखते हैं कि जो हमारे जो CA हैं, जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन लोगों को भी तरीके से नहीं पता रहता है कब कौन सा लोन आ जाता है, ये जटिलता ये अब तक क्लियर नहीं हुई है। सबसे पहले इसको सरल और सुलभ बनाया जाए, और हम लोग GST पे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन सुलभ नहीं हो पाया है। लेकिन वो उसमें कुछ सरलीकरण के लिए कोई बात नहीं किया गया? सरलीकरण के लिए किसी प्रकार का कोई मुद्दा उठा ही नहीं है, और इसमें हर महीने हम लोग भरते हैं और हर महीने हम लोग को कुछ न कुछ खामियां हम लोग को दिखाई देती है, दिक्कतें होती है भरने में हम लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो ये GST हो गया, दूसरा एक ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बिक्री हो रही है सामानों की, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे ऑफलाइन में हम लोग बेचते हैं और ऑनलाइन में माल बिकता है, तो अब चाहे वो कोई आज की डेट में घर से गृहिणी लोग बेच रही है, या चाहे हम लोग मोबाइल बेच रहे हैं, या किसी प्रकार का कुछ भी बेच रहे हैं, तो अब उसमें क्या है कि एक रेट में जो डिफरेंसेस हो जाता है, वो घर बैठ करके GST कुछ भी करके, और आज हम लोग खर्च देके जो काम कर पा रहे हैं, हम लोग शक नहीं रहे हैं। जी अरुण, बिल्कुल, क्योंकि GST को लेकर किया गया है और ना ही इनकम टैक्स को लेकर के ज्यादा कुछ बदलाव किया गया है शहनवाज, क्योंकि जब ये बजट पेश किया जा रहा था उसमें ये कहा गया कि ये 25 साल का बुनियादी बजट है। देखिए, बजट क्या होता था पहले, बजट चूंकि अलग होता था, रेल बजट अलग होता था, दोनों का एक अपना अपना आकर्षण होता था, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती थी, 400 ट्रेनों में ज़रूर एक आध ट्रेन तो मिलेगी ही, ये बात तो है। मुझे लगता है कि रांची एक कोलकाता है, वंदे भारत पहले से ही अनाउंस थी, उसको तो मिलना ही मिलना है, और भी हो सकता है कि 2-3 ट्रेनें मिल जाएँ। यहाँ से लेके पटना का रूट बन रहा है, उसमें भी कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन ये नहीं होता था पहले, कुछ और ही रंगत होती थी बजट की। अब जो हाईलाइट मैंने नोट किए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर दो गेस्ट हमारे साथ हैं। 60 लाख अतिरिक्त नौकरी दी जाएगी, ये बजट का एक हाईलाइट पॉइंट था। PM गति शक्ति योजना, जिसमें के वाटर ट्रांसपोर्टेशन और तरह की जो वैकल्पिक ट्रांसपोर्टेशन पॉड्स, नई नई कंसेप्ट आ रहे हैं, मेट्रो लाइट मेट्रो जैसी चीज़ें आ रही हैं, वाटर में कैसे चलाया जाए ट्रांसपोर्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं उसमें। LIC का IPO आएगा, हो सकता है कि LIC और रिवाइव करे इससे। ऑर्गेनिक खेती पर जोर, MSME को ऋण की चांसेस हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जितना पॉपुलर हुआ है 2 सालों में, ये इसको कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है, और टेलीमेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टरों की सलाह ऑनलाइन मिलेगी उससे। 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यक्रम सेंटर्स को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में बदला जाएगा। जाहिर है झारखंड में भी 40,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनको भी कुछ न किसी का किसी न किसी का सिलेक्शन जरूर होगा। 80 लाख नए मकान बनेंगे PM आवास योजना के तहत। बैटरी एक्सचेंज प्रोग्राम चलेगा,
बैटरी ऑपरेटेड जो वाहन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं आपकी बैटरी खत्म हो गई, खराब हो गई, आप अपना बैटरी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये स्टेशन बनेंगे पेट्रोल पंप्स की तरह। जाहिर है सरकार की मंशा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना है, और स्टेट डेवलपमेंट के लिए 1,00,000 करोड़ का बजट एडिशनल उसका प्रावधान किया गया है। ये पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा जीडीपी में भी थोड़ा सुधार की बात कही गई है, और सहकारी समितियों को जो कर है वो भी कर को थोड़ा कम कर दिया गया है। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। किशन अग्रवाल जी, आप बताइए आपने क्या नोट किया, क्या अच्छा लगा? देखिए सबसे पहले न्यूज 11 भारत को धन्यवाद। आज 2022-23 का जो बजट भारतीय सरकार की निर्मला वित्त मंत्री जी ने पेश किया, कुल मिलाकर हमको बजट ठीक लगा। लेकिन आपने जो भी नोट किया, जो भी बताया, वो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जो बजट हर साल पेश किया जाता है उस बजट पर देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि उस बजट से देश में कितना विकास हुआ। और सबसे देखने वाली बात यह है कि जितनी योजनाओं का आज अनाउंसमेंट हुआ है उस अनाउंसमेंट का इम्प्लीमेंट से कितना होता है, उसको हम कितना धरती पर उतार पाते हैं, वो सुविधा वो आम जो बजट कहलाता है आम लोगों को कितना मिल रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो हम पिछले साल का बजट को चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, ये देखना चाहिए हमको कि पिछले बजट में आपने जो घोषणा किया था उसका कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि आज पर ही सब कुछ होता है, आदि जो घोषणा किया गया है वो सब लागू धरती पर हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए। आप चाहते हैं कि जो बजट ही एक शॉर्ट प्रतिक्रिया आप दीजिए, जो मैंने आप ये पॉइंट्स बताए हैं इस पर बहुत कम बात हुई है। देखिए आपने जो पॉइंट नोट किया है वो ठीक है, काबिल तारीफ है, उन्होंने बहुत कुछ किया है कि आम बजट में इस चीज को लागू किया, जैसे बैटरी के लिए आपने कहा, रेलवे के लिए कहा, रोजगार बढ़ाने के लिए। लेकिन आखिर ये चीज आएगा कहाँ से, इस चीज को आप लाएंगे कहाँ से, आप किस उद्योग को बढ़ाएंगे, कहाँ से उद्योग बढ़ा रहे, कैसे उद्योग बढ़ाने के लिए आपने क्या पंपिंग रखा है? अभी आप अगर आप बात करो सेना साहब, तो सबसे ज्यादा उद्योग की जो रोजगार की बात करते हो आप है तो लघु उद्योग है, एमएसएमई है। लेकिन आपने अभी तक कुछ इसके लिए नहीं किया। आपने एक बोला कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की आपने सपना दिखाया है, मोदी जी ने दिखाया है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपके पास क्या योजना है, किस तरह से आप? देखिए आम बजट क्या होता है, लोग पब्लिक, आम पब्लिक देखना चाहती है कि आम पब्लिक के लिए क्या मिला, टैक्स में क्या। अभी मैंने अगर एक सर्विस क्लास से आप पूछेंगे कि आप एक बजट को आप अच्छा बोलेंगे, सर्विस क्लास कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उम्मीद रखा था कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और उसके बाद आपकी टैक्स में क्या कटौती हो रही है। आज कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन में या 10,00,000 का टैक्स का स्लैब आना चाहिए था, वो नहीं आया है। हाँ कुछ इन्होंने डिजिटल पेमेंट का बात किया है, डिजिटल पेमेंट सही है, ये काबिल तारीफ है, होना चाहिए। जी अमन जी शहनवाज, बिल्कुल, क्योंकि सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो अलग अलग आ रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर से उनसे जुड़ेंगे और जाने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं जमशेदपुर, धनबाद और रांची से। प्रभात, क्योंकि जो बजट आया है उसपे लोगों का यही कहना है कि अगर जैसे कि रांची में जब हम लोगों ने बात की तो उसमें यही कहा गया कि अगर कोई भी सर्विस मैन से आप पूछिएगा कि ये बजट कितना अच्छा रहा है आपके लिए, तो सभी की प्रतिक्रियाएं लगभग यही आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई छूट ही नहीं दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा अमन कि जो अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें, पुला कोल्हान की बात करें, तो सर्विस मैन ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज है और औद्योगिक घराने भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा जरूर। लेकिन इनकम टैक्स में छूट नहीं दिया, ये क्या लगता है कि सरकार को जो इस बार का बजट आया इनकम टैक्स में लोग आशान्वित थे तो उसमें कुछ तो नज़र नहीं आया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सरकार से सबको ये उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर में जो एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाएगी सरकार, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है लोगों का पॉकेट महंगाई में कट रहा है, तो अब टैक्स में भी कटेगा दोनों तरफ से। ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए या नीचे लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा उम्मीद था सरकार से कि वो एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाएगी, टैक्स स्लैब रेट में कुछ कम करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस तरह से कोई भी सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं आया। देखा जाए तो बजट अपने आप में सभी सेक्टर को फोकस किया गया है, लेकिन जहां मध्यम वर्ग सेक्टर की बात आती है तो उनको इनकम टैक्स में अगर कोई छूट मिलती या उनका वो होता तो उनको एक फ़ायदा होता है, जो कि नहीं मिला है। इससे व्यापारी और इंडस्ट्रीज में भी वो लगा है,
झटका लगा है कि भाई ये जो एग्जेम्पशन नहीं बढ़ा या नहीं वो उसका नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने एक रिवाइज रिटर्न की जो प्रक्रिया लेके आई है कि भाई आप अगर रिटर्न नहीं फाइल कर रहे या आपने कोई गलती कर दी और आपने बाद में उसको नोटिस किया है तो आप 2 साल के अंदर उसको रिटर्न को अपना रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करके एडिशनल टैक्स आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह सरकार ने ये एक अच्छा वो लेकर के आई है। इसके अलावा जो जो डिसेबल लोग रहते थे उनको एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ाया है, पहले जो उनका मेडिकल में जो खर्चा होता था उसको भी बढ़ाया सरकार ने, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो सरचार्ज था उसको घटा करके 15% किया है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स में कोई सरकार का नहीं है, बाकी फाइन प्रिंट आने पर देख करके हम लोग बता पाएंगे उसका क्या है। क्या लगता है जीएसटी में आप लोग मांग भी कर रहे थे चेंबर की, क्या जीएसटी में कुछ देखिए जीएसटी के लिए बजट में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, पर हमने चैम्बर से मांग की थी सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ऐसा लगता है कि प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन तो आगे जारी रहेगा जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक लाइन में बताया। मैं एक लाइन में अगर बजट को डिफाइन करूँ तो मेरे हिसाब से ये बोल्ड एंड बैलेंस्ड बजट है फॉर अ बोल्ड एंड बैलेंस्ड भारत। तो ये आगे के लिए हमारे लिए अच्छा ही रहेगा सबके लिए, अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्चा करती है और कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जो किया है जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर्स में जो श्योरिटी बॉन्ड का प्रावधान किया है विदाउट बैंक गारंटी, तो छोटे व्यवसायी इसमें अपना मतलब इसमें एक हित साध सकते हैं। या आगे आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, ये एक बहुत बड़ी बात श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कही है, तो ये एक नया मंत्र उन्होंने दिया है आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, और 60-65% तक का परचेज जो है इंडिया विद इन भारत मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का उन्होंने कहा है, आगे LIC का IPO आ रहा है उसके लिए भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं, वंदे भारत ट्रेन के लिए उन्होंने कहा है। तो इनफैक्ट ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो नॉन पॉपुलर बजट है सरकार, जैसे कई लोग आशा लगा के रखे थे कि चूंकि इलेक्शंस हैं, बट ये हम लोग बजट के देख करके बोल सकते हैं कि एक बैलेंस्ड बजट है और बहुत ही बोल्ड बजट है। सरकार ने एक नॉन पॉपुलर बजट दिया है इलेक्शन को दरकिनार रखते हुए, इससे सरकार की मंशा साफ झलकती है कि सरकार के लिए इलेक्शन से ज़्यादा देश मैटर करता है और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग सब अग्रसर हैं। थैंक यू। एक आम आदमी की तरह अगर बोला जाए तो क्या आम आदमी के लायक है ये बजट? देखिए अभी तक हम लोग लोकभवन बजट हमने काफ़ी देखे हैं, लेकिन ये सरकार का बहुत साहसिक निर्णय है कि चुनावी वर्ष में भी इस तरह का निर्णय सरकार ने नहीं लिया कि देश गर्त की ओर जाए, देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी ओर से एक भरपूर प्रयास किया है, आपको कमाने का अवसर दिया है, आपको बचाने का अवसर देने के लिए का कमाने का और अवसर मिला। लोगों का यही कहना है कि अब जो क्योंकि 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने की क्षमता, ये निर्मला सीतारमन ने कहा है। हमारे साथ अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्योंकि कहा गया है कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, तो जो रेलवे बजट से जो उम्मीद थी लोगों को कहीं ना कहीं वो सही है? देखिए निश्चित रूप से अमन कह सकते हैं हम कि जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो 400 वंदे भारत ट्रेन का जो परिचालन के जो आज इस बजट में प्रस्ताव दिया है, मतलब कहे एक तरह से स्वीकृति दी है, वो देश को कैसे एक रफ्तार देने की, देश की आर्थिक गति को रफ्तार देने का प्रयास है केंद्र सरकार का, इसको माना जा सकता है। और ये एक अच्छी बात है और जिसपे देश को सुदृढ़ता मिलेगी, देश को सफलता मिलेगी, और उसी के तहत लोगों की जो अभी मैं सुन रहा था जो जिस तरह के लोग लुभावन जो घोषणाएं होती थी वो इस चुनावी वर्ष में भी उस तरह के बजट को पेश नहीं करके केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है और साहस दिखलाया है कि वो देश को प्रथम रखना चाहती है, उसके बाद ही कुछ और। तो ये इस बजट को कह सकते हैं हम जो देश की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक बजट है, लेकिन आम आदमी और कुछ लोगों की अगर देखे जाए तो उसमें थोड़ी सी परेशानी निश्चित रूप से है। 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, एक विकास की गति की तरफ जो है कुछ कुछ योजनाएं आई हैं। अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शहनवाज और प्रभात, आप हमारे साथ बने रहें। तो आपको बता दें कि जो आम बजट पेश किया गया है ये मिला जुला बजट है, और कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की ये आ रही है कि बजट जो है वो कहीं ना कहीं विकास की गति के लिए सही है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बजट जो है वो कहीं से सही नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स में छूट नहीं दी गई है, जिसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।